गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी मैथ्स की टीचर. आज हम मैथ्स में करेंगे एडिशन सम्स, यानी कि प्लस के क्वेश्चन. एडिशन सम्स यानी कि प्लस के. ओके, यहाँ पे हमने डिजिट लिखी हुई है 2 एंड 1. ठीक है, ये हमारा ये जो हमारा साइन है ये कैसा है? प्लस का. ये हमें जोड़ने हैं. ओके, कैसे आपको बताते हैं. 1 एंड 2, यहाँ पे हमारे कितने हैं? 2. तो 1 एंड 2, यहाँ पे क्या है? 1. तो 1 2 3, यहाँ पे हमारे क्या आएगा? 3. हमें ने काउंट करना है इसे 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 3. फिर यहाँ पे लिखा है 3, तो हम 3 लाइन वो करेंगे, खींचेंगे 1 2 3. ओके, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे हम 1 लाइन करेंगे. तो 1 2 3 एंड 4. ओके, फिर यहाँ पे लिखा है 4. 1 2 3 4, यहाँ हम 4 लाइन ड्रॉ करेंगे. फिर यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लाइन 1 एंड 2. तो 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ पे ये लाइनों को काउंट करना है, फिर हमें यहाँ आंसर लिखना है. तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ हम क्या लिखेंगे? 6. यहाँ लिखा है 6, तो हम यहाँ 6 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6. ओके, यहाँ लिखा हमने 3, 1 2 3, तो हम इनको लाइन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 9. हमने यहाँ लिखा है 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा है 4, 1 2 3 4. अब हम इनको लाइन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, फिर यहाँ पे लिखा है 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमने यहाँ 7 लाइन खींच दिए. फिर लिखा है 2, 1 2, फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, हम यहाँ क्या लिखेंगे? 9. डियर पेरेंट्स, आप ये बच्चों को उनकी नोटबुक में लिखवाएं और उनको समझाएं एडिशंस कि जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो हम यहाँ पे 2 लाइन खींचेंगे, फिर नीचे जो डिजिट है 1, फिर हम 1 लाइन खींचेंगे, तो फिर उसको ऐड करना है 1 2 3. हमें लाइनें काउंट करके ऐड करके फिर आंसर यहाँ लिखना है. तो 1 2 3, आंसर क्या आया? 3. आप उनकी डिजिट चेंज करके भी दे सकते हैं. थैंक यू.